सुशांत की मौत की रिपोर्ट पर फर्जी खबर चला रहे मीडिया संस्थानों को डॉक्टर हर्षवर्धन की चेतावनी, रिपोर्ट में हमारा कोई दखल नहीं। सुशांत केस में मुंबई पुलिस का दावा, मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के लिए बनाए गए हजारों फर्जी सोशल मीडिया खाते। गृहमंत्री अनिल देशमुख बोले, राजनीतिक दल ने केस को भटकाया, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज का नाम बदनाम किया। देशमुख ने कहा, बिहार चुनाव नजदीक है, बिहार चुनाव को देखते हुए कुछ पार्टियों ने ली थी सुपारी। सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका, रिया चक्रवर्ती की शिकायत खारिज करने की अपील। कल रिया की जमानत पर फैसला करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट, निचली अदालत ने 20 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत। हाथरस में पीड़िता के गांव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, परिवारों को दिलाया इंसाफ का भरोसा। थाने के अनंत करमुसे नाम के इंजीनियर के साथ मारपीट के मामले में 30 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, अप्रैल में मंत्री जितेंद्र आह्वान के बंगले पर पिटाई की थी। अनंत करमुसे ने जितेंद्र आह्वान के खिलाफ दी थी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट, करमुसे की शिकायत है कि आह्वान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मारा था। करमुसे का आरोप है कि आह्वान की आंखों के सामने हुई थी उनकी पिटाई, आह्वान ने किया है अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार, मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। मुंबई में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, 15 साल से पुराने सभी रिक्शा पर लगा प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए वारदात के विरोध में दलित संगठनों ने नांदेड़ में युवा महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने किया उग्र प्रदर्शन। उस्मानाबाद के प्रतिष्ठित तुलजा भवानी मंदिर में इस बार बिना भक्तों के मनेगी नवरात्र, भक्तों को नवरात्र के दौरान तुलजापुर शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं। वाशिम में मजदूर महिला मजदूरी करते खेत में बच्चे को जन्म दिया, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में म्यूजिक टीचर बना बिजली मैकेनिक, लॉकडाउन में नहीं मिली सैलरी। पिंपरी चिंचवाड़ में आवारा कुत्तों का आतंक, सोसाइटी के अंदर घुसकर बच्ची को काटा, लोगों में खौफ। चंद्रपुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, अब तक 10 लोगों को बाघ बना चुका अपना शिकार। चंद्रपुर के राजूरा तहसील में बाघ के डर से खेतों में नहीं जा रहे हैं किसान, बाघ को पकड़ने में 6 महीने से वन विभाग लगा हुआ है। पुणे में नेवली पुल के पास भयानक हादसा, एक दूसरे से टकराए कई वाहन, एक की मौत, कई घायल। कोरोना में गुजरात सरकार ने शुरू किया डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, 18,000 गांवों को ऑनलाइन जोड़ने का प्लान। 600 अंकों की छलांग लगाकर 49,574 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 159 के साथ 11,662 पर बंद। दिल्ली मुंबई से लंदन के लिए सीधे हवाई उड़ान शुरू करेगी स्पाइस जेट, 4 दिसंबर से शुरू होंगी फ्लाइट्स। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर तक पहुंचाएगा रेलवे, कई रूट्स पर बढ़ा दिए गए ट्रेनों के फेरे। होंडा ने निकाला जबरदस्त फेस्टिव ऑफर, WRV जैज सिटी जैसी कारों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ शादी करने का किया ऐलान, 30 अक्टूबर को लेंगी 7 फेरे। कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा मुंबई ने खोया है, इसी दौरान सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर बुरी तरह निशाने पर भी रही। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि फर्जी सोशल मीडिया खातों से अफवाहें फैलाकर उसे बदनाम किया गया। ऐसे खातों से इटली, जापान, पोलैंड, स्लोवेनिया, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड, रोमानिया और फ्रांस जैसे देशों से मुंबई पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली झूठी पोस्ट अपलोड की गई। इनमें से काफी खातों के 659, 1776 और 4459 फॉलोअर हैं। आयोग को, सीनियर इंस्पेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, एडवोकेट जनरल को और सी लैनोरेट में जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की गई थी, उसके अलावा बाकी जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ना तो उनको हमारा इन्वेस्टिगेशन की जानकारी थी, ना उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी थी। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, एक मोटिवेटेड कैंपेन पूरा चलाया गया हमारे इन्वेस्टिगेशन को मलयन करने के लिए और मुंबई पुलिस को मलयन करने के लिए। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट मुंबई पुलिस कमिश्नर को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ट्रॉल करके उनके और मुंबई पुलिस के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। ऐसे ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल की तस्वीर से छेड़छाड़ कर
उसका प्रयोग किया गया। ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश होने का इशारा किया है। संपूर्ण रिपोर्ट समोर आलेला आहे, त्याच्यामध्ये एका राजकीय पक्षाने संपूर्ण प्रकरण एका वेगळ्या दिशेने नेलं, ज्याच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम त्यांनी एका राजकीय पक्षाने केलेलं आहे। लगभग 80,000 से भी ज्यादा अकाउंट ये पाए गए हैं जिसमें इस तरह के हैशटैग चलाए जाते थे, इस तरह की बदनामी की मुहिम तैयार की जाती थी और निश्चित तौर पर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम थी।